बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस इंडिया संगीता बिजलानी आज अपना 61वां जन्मदिन मना रही हैं। इस उम्र में भी संगीता पहले की ही जितनी खूबसूरत और जवान नजर आती हैं। भले ही संगीता इन दिनों बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं। संगीता अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर फैंस से जुड़ी रहती हैं। संगीता का जन्म 9 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ था। वो बचपन से ही ग्लैमर की दुनिया से जुड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने केवल 16 साल की उम्र से ही मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद संगीता देखते ही देखते उन दिनों मॉडलिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गई। उनके ग्लैमर और खूबसूरती को देखते हुए संगीता को बिजलानी नाम से पुकारा जाने लगा। वहीं साल 1980 में संगीता बिजलानी ने मिस इंडिया का ताज अपने नाम किया। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड में आसानी से एंट्री मिल गई। संगीता ने 1988 में फिल्म कातिल से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें उनके ऑपोजिट आदित्य पंचोली नजर आए थे। वहीं 1989 में रिलीज हुई फिल्म त्रिदेव संगीता के करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद संगीता ने जुर्म, इज्जत और हातिम ताई जैसी कई फिल्मों में काम किया। ये तो बात हो गई संगीता बिजलानी के प्रोफेशनल लाइफ की। अगर उनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो पर्सनल लाइफ को लेकर खूब चर्चा में रहे। दरअसल संगीता बिजलानी ने अपनी जिंदगी में 2 बार प्यार किया, एक से तो शादी भी की, लेकिन अफसोस संगीता अपने प्यार और शादी दोनों में नाकाम रहे। पिछले कई सालों से वो सिंगल ही अपनी जिंदगी बता रहे हैं। संगीता जब इंडस्ट्री में स्टेडियम की बुलंदियों को छू रही थी, तब उनकी जिंदगी में सलमान खान के प्यार ने दस्तक दी थी। दोनों का अफेयर खूब चर्चा में रहा था। सलमान खान और संगीता बिजलानी की मुलाकात साल 1986 में एक फिल्मी पार्टी के दौरान हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आए और उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। करीब 10 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि सलमान और संगीता बिजलानी की शादी भी तय हो गई थी। यहाँ तक कि उनकी शादी के कार्ड भी छप चुके थे। 27 मई 1994 को दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन इसी बीच खबरें आने लगी कि सलमान खान संगीता बिजलानी को धोखा देकर सोमी अली से नजदीकियां बढ़ाने लगे। वहीं जब संगीता को सलमान के इस अफेयर की भनक लगी तो उन्होंने उनसे रिश्ता तोड़ लिया और उनकी शादी नहीं हो पाई। सलमान के साथ ब्रेकअप के बाद संगीता की जिंदगी में क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन आए। मोहम्मद अजहरुद्दीन को संगीता इतना चाहने लगी कि उन्होंने उनसे शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि अजहरुद्दीन पहले से शादीशुदा थे और उनके 2 बेटे भी थे, लेकिन संगीता से शादी करने के लिए उन्होंने पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। इसके बाद अजहरुद्दीन और संगीता ने 4 नवंबर 1996 को शादी कर ली थी। उस वक्त अजहरुद्दीन संग शादी करने के लिए संगीता ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और फिर उनका नाम आयशा हो गया। हालाँकि ये शादी ज़्यादा वक्त तक नहीं चल पाई और शादी के 13 साल बाद यानी कि साल 2010 में दोनों ने तलाक ले लिया। शादी के बाद संगीता ने अपने फिल्मी करियर को भी अलविदा कह दिया था। संगीता बिजलानी आखिरी बार 1996 में फिल्म निर्भय में नजर आई थी। वहीं इन दिनों संगीता लाइमलाइट से दूर पावना लेक में अपने फार्म हाउस पर वक्त बिता रहे हैं। मुंबई से ज्यादा समय संगीता अपने फार्म हाउस पर बिताती हैं। यहाँ रहना उन्हें काफी पसंद है और वो अक्सर अपने फार्म हाउस से खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।